इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड डे 3 सेकेंड टेस्ट मैच हम ऑलरेडी हार चुके हैं। ये सीरीज भी ये मैच भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले था, बहुत ही खराब प्रदर्शन था, स्पेशली इन बैटिंग, स्पेशली बाय आर सीनियर प्लेयर्स। बोलिंग में ट्राई किया था, माना कि पिच जो है वो स्पिनर्स स्पिनिंग थी, स्पिनिंग बनवाई गई थी, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि अगर न्यूजीलैंड के लिए स्पिनिंग पिच बनवाई है तो हमें भी, इंडिया की टीम को भी उसी पे खेलना है। तो ये भूल गए थे क्या? मतलब यार, ना रोहित शर्मा खेल पाए, ना विराट कोहली खेल पाए। मी बीइंग अ विराट कोहली फैन वाज सो डिसअपॉइंटेड टू सी कि अगर तुमने पिच उस हिसाब से बनवाई है तो थोड़ा कुछ तो रखा होता दिमाग में कि चलो अगर न्यूजीलैंड के सामने हार गए लेकिन ये जो आपका है वो इफेक्ट करेगा WTC के पार्टिसिपेशन पे, WTC फाइनल के पार्टिसिपेशन पे। तो आपने उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा क्या? ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फाइटिंग स्पिरिट दिख रही हो, बस ऐसा लग रहा था कि यार खेलने के लिए बस खेलने आ गए। कहीं पे भी वो जो एफर्ट्स होते कि नहीं हमें ये जीतना है वो तो बिल्कुल भी दिखे ही नहीं है। और फिर उसके बाद 18 सीरीज, 4,331 दिन और 12 साल बाद इंडिया होम ग्राउंड पे टेस्ट सीरीज जो है वो हार गई है। न्यूजीलैंड का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, काफी अच्छा डिस्प्ले था। टीम एफर्ट्स न्यूजीलैंड का काफी अच्छे से दिखा था। भाई न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट टीम टू विन अ टेस्ट सीरीज इन इंडिया, एंड मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यार इतना खराब प्रदर्शन बैटिंग में, इतना खराब। यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा ट्राई किया था, शुभमन गिल ने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया, लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो कैप्टन और किंग कहे जाने वाले विराट कोहली से ही हुआ है। अगर आप न्यूजीलैंड के स्कोर कार्ड को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार 6-6, 7-7 नंबर तक वो लोग बैटिंग कर रहे हैं और काफी अच्छी कर रहे, कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स जैसे ही आउट होते हैं सब लोग घबरा जाते हैं, बाकी के जो टीम के प्लेयर्स हैं वो घबरा जाते हैं कि यार अब हम कैसे जीतेंगे, ये कैसा टीम एफर्ट्स है। और इन सब का सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि अब ये चीज हमारे WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करेगी। हमारा जो ICC स्टैंडिंग्स है WTC टेबल में वो अब 62% आ गया, विच इज मतलब अब मैं आपको सिनेरियो बता देती हूँ, माफ कीजिएगा शोर के लिए, मैं आपको सिनेरियो बता देती हूँ कि अब अगर इंडिया को WTC फाइनल खेलना है तो उनको न्यूजीलैंड के साथ जो अगली टेस्ट मैच है, थर्ड टेस्ट मैच ऑफ दिस सीरीज, वैसे सीरीज तो न्यूजीलैंड जीत चुका है लेकिन ये जो मैच है उसके भी पॉइंट्स जुड़ेंगे, तो ये मैच तो जीतनी ही होगी मुंबई में न्यूजीलैंड के सामने, साथ ही ऑस्ट्रेलिया जाके पर्थ में, एडिलेड में, उनको 5 मैच की जो सीरीज है उसमें से कम 3 जीतनी होगी, तब जाके हम सोच सकेंगे कि WTC फाइनल में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम का पार्टिसिपेशन श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सब के पॉइंट्स पे डिपेंड होने वाला है। तो अब आप ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है कि अब हम यहाँ से WTC का सपना देखें, उस सपने के बारे में सोचें। मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ आज की जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो देख के, काफी ज्यादा निराशाजनक रही। मतलब रविंद्र जडेजा उन्होंने ट्राई किया, जसप्रीत बुमराह जो बॉलर है वो सीनियर प्लेयर्स बैट्समैन से, रोहित शर्मा से, विराट कोहली से अच्छा खेल रहे, वो चौके छक्के लगा रहे, लेकिन आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हो अपने ही होम ग्राउंड पे। इतना जो डोमिनेंस था, डोमिनेंट टीम थी इंडिया, लेकिन ये जो हाइप था ना कि भाई इंडिया डोमिनेंट है, लेकिन अगर आप देखोगे स्पिन के खिलाफ इंडिया की जो बैटिंग है वो नहीं है अच्छी। वो यू नीड टू रियलाइज, यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर नॉट एबल टू प्ले स्पिन लाइक अदर टीम्स आर। वो लोग भी जैसे बाकी की टीम्स नहीं खेल पा रही स्पिन, आज न्यूजीलैंड ने काफी अच्छे से खेली जो कि, लेकिन इंडिया नहीं खेल पाती, सोशल मीडिया हाइप अप से नहीं चलेगी दुनिया, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर आपकी बैटिंग में इतने क्रैक्स है तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया जाके, ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड अनाउंस हो गई है, नितेश कुमार रेड्डी, काफी लोगों को डेब्यू करने का मौका मिलेगा, लेकिन चेतेश्वर पुजारा की टीम में कोई जगह नहीं दिखी है, जो कि कहीं ना कहीं आपको खनकने तो वाला है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने जैसे हैंडल किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को, द नेवर गिविंग अप फाइटिंग स्पिरिट, क्या आपके यंग प्लेयर्स, अगर आपको सीनियर प्लेयर्स नहीं हटाने टीम में, वो मैच नहीं खेल रहे 45 दिनों बाद, डायरेक्ट टेस्ट मैचेस खेल रहे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो नहीं खेल पा रहे, वो खेल ही नहीं रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फिर डायरेक्ट आके यहाँ खेल रहे, तो वो कैसे जीतेंगे, कैसे उनको पिचेस के बारे में पता चलेगा, कैसे
कैसे जीतेंगे वो ये मैचेस, वो एक क्वेश्चनेबल चीज है। उसके बाद अगर आप यंग प्लेयर्स को लाना चाहते हो तो फिर यंग प्लेयर्स को दो मौका, फिर आपके सीनियर प्लेयर्स क्यों खेल के बैठ रहे हैं, ये समझ से आ रहा है मुझे। अगर बोलिंग में आपको चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, बोलर्स आर ट्राइंग टू परफॉर्म देव। अगर थोड़ा बहुत जो इंडिया का फाइटिंग स्पिरिट दिखा है वो बॉलिंग में ही दिखा है, ऑल थैंक्स टू वॉशिंगटन सुंदर, ऑल थैंक्स टू रविंद्र जडेजा एंड अश्विन। बुमराह का भी थोड़ा सा लैग हुई थी, लेकिन ऑल थैंक्स टू वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनको टीम में लेके बहुत अच्छा काम किया था। जडेजा अश्विन इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्राई किया, लेकिन अगर इंडिया स्पिन के सामने नहीं खेल पा रही है तो ये एक बहुत निराशाजनक बात है। एंड यू रियली नीड टू स्टेप अप योर गेम इफ़ यू आर टर्म्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट टीम। अगर आप वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हो, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, वो भी 12 साल बाद, अपने जो डोमिनेंट रिकॉर्ड था 12 साल का, जो इतना बड़ा रिकॉर्ड था कि भाई इंडियन टीम इज अनबीटन ऑन देयर होम ग्राउंड, हमें तो भरोसा था कि भाई घर पे हो रही है मैच, हम ही जीतेंगे, लेकिन इस बार टूटा है इंडिया का घमंड। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मैच रहा। बात करें अगर इंडिया के बैटिंग परफॉर्मेंस की, यशस्वी जायसवाल, ही वॉज अ वॉरियर, ऑल थैंक्स टू हिम कि उन्होंने 77 रन बनाए, वरना और ज्यादा निराशाजनक हार होती। एक तरफ पाकिस्तान इंग्लैंड के सामने जीत रहा है और एक तरफ इंडिया हार रही है न्यूजीलैंड की टीम के सामने, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग सा लगता है यार। पर्सनली रोहित शर्मा सिर्फ 8 रनों पे आउट हो गए। मिचेल सैंटनर, भाई साहब, ही हैज ब्लोन आवर माइंड्स दिस टाइम। मिचेल सैंटनर का जो कंट्रीब्यूशन था इस बार उनकी टीम में कि भाई जी जान लगा देंगे, रचिन रविंद्र का था, डेवॉन कॉनवे का था, ग्लेन फिलिप्स का था, उन लोगों ने भी काफी अच्छी स्पिन खेली थी यार। ग्लेन फिलिप्स जो कि एक बॉलर है, उन्होंने इतनी अच्छी खेली थी, लेकिन फिर भी आप नहीं खेल पा रहे हो। अजाज पटेल का था कॉन्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा, शुभमन गिल ने ट्राई किया कि थोड़ा यशस्वी जायसवाल के साथ वो पार्टनरशिप बना सके, लेकिन शुभमन गिल से भी नहीं हो पाया था। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी 17 रनों के स्कोर पे, मतलब व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टेप अप, यू आई डोंट थिंक कि ये जो बेसबॉल वाला जो इनका माइंडसेट था वो काम आएगा टेस्ट क्रिकेट में। बेसबॉल जैसी चीज है आपकी, यू हैव टू बी पेशेंट, यू नीड टू जस्ट बी काम एंड अंडरस्टैंड द गेम फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको कुछ भी अटैकिंग क्रिकेट खेलना हो तो आप खेल सकते हो, लेकिन सबसे पहले पिच पर टिकना तो सीखो, उसके अलावा कैसे होगा ये काम। ऋषभ पंत भी रन आउट के चक्कर में आउट हो गए थे, वरना वो थोड़ा बहुत डिस्प्ले कर पाते। वॉशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी थोड़ी सी संभाली, माना कि वो 21 रनों के स्कोर पे आउट हो गए थे, लेकिन ही ट्राइड इज बेस्ट। सरफराज खान, जिनसे हमें उम्मीद थी, जिनके लिए केएल राहुल को बिठा दिया था, वो भी इस बार कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए सेकंड टेस्ट मैच में। रविंद्र जाडेजा ने फिर एक बार, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जाडेजा ने थोड़ी बहुत जो है नाक बचाई थी, 42 रन्स बनाए थे। उसके बाद अश्विन ने 18 रन्स बनाए थे। आई रियली डोंट गेट कि हमारा टॉप ऑर्डर कर क्या रहा था, हमारे सीनियर प्लेयर्स क्या कर रहे थे इस मैच में, आई हैव नो क्लू। आकाशदीप, इनका भी पार्टिसिपेशन मुझे डाउटफुल लगता है, ना वो इतना ज़्यादा बॉलिंग में अच्छा कर पाए हैं, ना बैटिंग में, सिर्फ 1 रन बना के आउट हुए थे। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 4 बॉल्स खेली, उसमें एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, 10 रन बना कर वो आउट हुए। अब अगर बॉलिंग में भी उम्मीद कर रहे हो, बैटिंग में भी उम्मीद कर रहे हो, तो ये सब कुछ तो ये लोग नहीं कर लेंगे ना, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर टीम। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी इंडियाज डिस्प्ले टुडे, पुअर बैटिंग डिस्प्ले। पहले ऐसा होता था कि यार एक एक पूरा पूरा दिन निकल जाता था, मुश्किल से 1 विकेट जाती थी आपकी टीम की। अभी एक सेशन में कम से कम 2 से 3 विकेट जा रही है, दो सेशन में आपकी आधी टीम पवेलियन के अंदर बैठी होती है, तो ये कैसे चलेगा यार। मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब हो चुका है आज ये जो स्कोर कार्ड देखा है उसके बाद, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन इसके बाद WTC में क्या होता है, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन। सो आप बताना कि आपको क्या लगता है इंडिया को कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सामने अगली मैच जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि अगली मैच मुंबई में होने वाली है, ब्लैक सॉइल पे होंगी, सबके लिए फ्रेंडली है, बैट्समैन फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है, क्या इंडिया अपना जो डोमिनेंस है वो वापस ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना है, तो वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या विराट कोहली को टेस्ट कैप्टेंसी वापस दे देनी चाहिए, बिकॉज द वे ही कैप्टन, उन्होंने कम से कम 11 सीरीज में
11 सीरीज में कैप्टनसी की थी, और शायद ही नहीं, जीरो जीरो टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उनके दौरान, उनके टेस्ट कैप्टनसी के दौरान रोहित शर्मा के टाइम हम दो तीन हार चुके हैं। तो ये एक क्या आपकी हमें राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या विराट कोहली को कैप्टनसी मिल जानी चाहिए, क्या न्यूजीलैंड हमें व्हाइट वॉश कर देगा, क्या इंडिया एक मैच जीत पाएगी न्यूजीलैंड के सामने अपने होम ग्राउंड पे, क्या ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया जीत पाएगी, क्या WTC फाइनल का सपना हम अभी भी देख सकते हैं या नहीं। इन सब पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।